कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए, आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। मैं शारदा देवी से आ रही हूं, वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं, तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है, तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया, आप उन्हें संसद में वापस लाए, आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है कर्नाटका का, ये भी एक सच्चाई और सत्य का संघर्ष ही है। आज सुबह मैं मैसूरू में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल। जिसका होटल है उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो, बोला मैं इंफोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है, मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना।